मुझे सुनाने के लिए नहीं बल्कि ये जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे आका मुझे देख रहे हैं। इस नियत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, मैं हाजिर करता हूँ उसने कहा कि बाहर حضور غازی ملت علماء اہل سنت مجھے بھی رازے آقا پہ جانے کے آپ بھی پڑھ لیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا اگر پڑھنا قبول ہو گیا تو بہت جلد مدینہ شریف پہنچیں گے انشاءاللہ مجھے بھی رازے الحاج مبارک حسن مبارک بیٹھے ہیں اور نہ جانے کتنے حاجی بیٹھے ہیں میں شیر کے حوالے پڑھنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ دیوانہ کیا کیا تمنا لیے بیٹھا ہے دل میں حاضر کرتا ہوں سنیں اور میں کرام کے حوالے سے کہ جسے چوما ہے آقا نے جسے چوما صحابہ نے بہت اچھا شیر آپ کے حوالے جسے چوما ہے آقا نے جسے چوما صحابہ نے جسے چوما ہے آقا نے جسے چوما صحابہ نے جسے چوما ہے جسے چوما نے جسے چوما تبسم چھین رکھا ہے
दीवाना कहता है मेरे आका मैं इतने उलझन में हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आता, लेकिन लेकिन दीवाना कहता है या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दीवाना कहता है गमों ने मेरे होठों का तबस्सुम छीन रखा है, गमों ने मेरे होठों का तबस्सुम छीन रखा है, गमों ने गुनाहों के समंदर से निकलना चाहता हूँ मैं, गुनाहों के समंदर से निकलना चाहता हूँ मैं, गुनाहों के समंदर से निकलना चाहता हूँ मैं, नजर आए जहां से गुंबदे खजरा सदा अजमत। सुनिएगा आशिक क्या क्या तमन्ना दिल में लिए बैठ बैठ, कोई चाचा के मेरा उस पड़ोसी के घर के बगल में मेरा घर हो जाए, कोई चाचा मेरा घर यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, लेकिन एक आशिक की तमन्ना क्या होती है सुनिएगा दिल लगा के। नजर आए जहां से गुंबदे खजरा सदा अजमत, नजर आए जहां से गुंबदे खजरा सदा अजमत, नजर छोटा घर बनाने की तमन्ना है।
समय